असलम स्टूडेंट्स एडवास कम्प्यूटर नेटवर्क के लेक्चर के साथ मैं हाज़िर हूँ इससे पहले हम ट्रांसपोर्ट लेयर और उससे रिलेटेड इशूज़ को स्टार्ट कर चुके हैं हमने टी सी पी प्रोटोकॉल के मतलब पिछली दफ़ा ये बात की थी आज इनशा हम टी सी पी के कुछ और मेकनिज़म स्टेट ट्रांजेक्शन डाइग्राम और स्लाइडिंग विंडो की डिटेल्स की बात करेंगे इससे पहले हमने पिछले लेक्चर के अंदर जो किया आइए उसका थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं आपको याद होगा कि हमने पिछला लेक्चर भी टी की डिटेल से ही आ, स्टार्ट किया था हमने सबसे पहले ये देखा था कि टी के ऊपर जब हम रिलायबिलिटी प्रोवाइड करने लगे हैं तो इसमें कुछ ऐसे इश्यूज़ हैं जो कि यही रिलायबिलिटी जब हम डायरेक्ट लिंक लेयर के ऊपर प्रोवाइड करते हैं तो वो आ, नहीं होते इश्यूज़। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने कहा कि डायरेक्ट लिंक और टी सी पी ट्रांसपोर्ट लेयर के ऊपर रिलायबिलिटी या स्लाइडिंग विंडो मैकेनिज्म जब हम प्रोवाइड करेंगे तो फर्स्ट थिंग इज दट आर टी टी बिकॉज वन नोड विल बी एट लोकल लिंक अदर नोड विल बी समेर इन द इंटरनेट तो आर टी टी जो है वो वेरी करेगा और टी सी पी को इसको कैटर करना पड़ेगा देन अदर थिंग इज दैट पैकेट कैन बी डिलेड आर्बिट्रिली लॉन्ग टाइम कोई पैकेट जो है वो जल्दी आ जाएंगे कुछ पैकेट जो है वो काफी टाइम के बाद आएंगे एंड दिस टी सी पी शुड बी एबल टू हैंडल दो विच आर अराइविंग क्वाइट लेट फिर हमने ये बात की थी कि जो पीयर कैपेबिलिटीज हैं वो भी वेरी करती हैं और इस वजह से टी को इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि जो आपका रिसीविंग एंड है क्या वो इतना डेटा जो है वो रिसीव कर सकता है इस फास्ट पेस के ऊपर प्रोसेसिंग कर सकता है या नहीं इसको हमने फ्लो कंट्रोल के टर्म में देखा था देन अनदर थिंग दैट नेटवर्क कैपेसिटी कैन ऑल्सो वेरी नेटवर्क कैपेसिटी एक टाइम के ऊपर नेटवर्क लाइटली लोडेड होगा तो आपको बहुत अच्छी थ्रूपुट मिल सकती है दो एंड को आपस में कम्युनिकेशन में बट एट सम अदर टाइम जबकि नेटवर्क के ऊपर कंजेशन होगी तो वही दो पॉइंट्स जो कि पहले बहुत अच्छी आपस में कम्युनिकेशन कर रहे थे दे विल नॉट बी हैविंग अ नाइस थ्रूपुट तो टीसीपी को रिएक्ट करना है ऐसे सिनेरियो में जब नेटवर्क के ऊपर कंजेशन हो और नेटवर्क की जो कैपेसिटी है वो बहुत ज़्यादा ना हो हमने ये भी देखा था कि अगर हमने टी के लिए एक बहुत लंबी सी विश लिस्ट प्रोवाइड की है कि उसमें ये फंक्शनलिटी भी होनी चाहिए ये फंक्शनैलिटी भी होनी चाहिए और बहुत सारी लिस्ट तो क्या ये जस्टिफाइड है कि ये सब की सब फंक्शनैलिटी हम टी लेयर के ऊपर प्रोवाइड करें इज इट पॉसिबल कि इसमें से कुछ चीज़ें हम आई पी लेयर के ऊपर मूव कर दें एंड इन दिस कॉन्टेक्स वी स्टडीड दी एंड टूं हमने एंड टू में ये बात की थी दैट आ फंक्शनैलिटी शुड ओनली बी अप्लाइड और इम्प्लीमेंटेड एट ए गिन लेट कैन भी कम्प्लीटली इम्प्लीमेंटेड एंड क्रेक्टली इम्प्लीमेंटेड एट दैट लेयर और हमने इसके अंदर दो एग्जाम्पल्स देखी थी इसमें एक तो देखा था कि इन ऑर्डर डिलीवरी का जो मैकेनिज्म है अगर हम वो हॉप बाय हॉप प्रोवाइड करना शुरू करें तो इवेंचुअली एंड टू एंड हम इसकी गारंटी नहीं दे सकते बिकॉज ऑफ समरनेट पाथ विच एग्जिस्ट इसी तरह से फिर हमने कंजेशन कंट्रोल के मैकेनिज्म को देखा कि क्या हम इस मैकेनिज्म को टीसीपी लेयर से नीचे आईपी लेयर के ऊपर मूव कर सकते हैं हमने देखा कि अगर हम इसको भी हॉप बाय हॉप गारंटीज़ प्रोवाइड करनी शुरू करें या कंजेशन के ऊपर या नेटवर्क की कैपेसिटी के मुताबिक डिसीजंस लें तो वो डिसीजनस करेक्ट नहीं होते हम नेटवर्क की जो कैपेसिटी है उसको एफिशेंटली यूटिलाइज नहीं कर सकते लिहाजा इसको भी हमें एंड टू एंड ही हैंडल करना पड़ता है एंड इज दी तरह से हमने देखा कि इम्प्लीमेंट की गई है ट्रांसपोर्ट लेयर के ऊपर कि वो इफेक्टिवली यहीं पर इम्प्लीमेंट हो सकती है इसके बाद हमने देखा था, टी use, कि हम इसको, टी कहा का दूसरा फेज है सेगमेंट्स की में डेटा को सेंड करने का और थर्ड फेज है कनेक्शन टियर डाउन का हमने इसमें देखा कि कनेक्शन सेटअप के अंदर आपके पास थ्री वे हैंडशेक है जिसमें आपने क्लाइंट सर्वर या कोई से दो एंड्स के दरमियान जो है वो कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करनी है कनेक्शन इस्टैब्लिश करना फर्स्ट सेगमेंट विल बी सिंक एंड देन फ्रॉम सर्वर साइड नॉर्मली द एक्नॉलेजमेंट ऑफ़ दैट सिंक एंड अनदर सिंक ऑफ दर्वर इट सेल्फ विल बी सेंड और उसके बाद फाइनली क्लाइंट साइड से आपको सर्वर uh, के सिंक का रिसीव हो जाते हैं ये इस तरह से तीन जो सेगमेंट्स आपस में एक्सचेंज होते हैं इस थ्री वे हैंड शेक के थ्रू हम कनेक्शन को इस्टैब्लिश कर लेते हैं वंस द कनेक्शन इज इस्टैब्लिश बिटवीन टू पियर एंड फॉर दी सी पी प्रोटोकॉल वी कैन से दैट नाउ वी आर रेडी टू सेंड डेटा और फिर हम ये करते हैं कि एप्लीकेशन लेयर से जितना भी डेटा आता है उसको अप्रोप्रिएट साइज सेगमेंट्स की फॉर्म में ब्रेक करके नेटवर्क के ऊपर भेजना शुरू करते हैं जब हम ये डेटा सेगमेंट्स भेजते हैं तो इसमें ये पॉसिबिलिटी भी हमने देखी थी दैट वी हैव आल्सो नीड टू डिसाइड कि ये सेगमेंट्स हमने कब भेजने अगर आपके पास एप्लीकेशन से बहुत कम डेटा हो तो यू विल नॉट सेंड हाँ जब आपके पास इतना डेटा एप्लीकेशन से आ जाए जो कि कम से कम एक सेगमेंट जितना हो तो वो आप सेगमेंट भेज देते हैं यह एप्लीकेशन बेशक स्मॉल डेटा भेजे लेकिन साथ में पुश की रिक्वेस्ट करे तो उस पुश के सेगमेंट फ्लैग की वजह से हम ये डेटा भी भेज देते हैं एंड द थर्ड पॉसिबिलिटी वॉज के एप्लीकेशन ने काफ़ी स्मॉल डेटा भेजा लेकिन बड़ी देर से और डेटा नहीं आया एक ख़ास इंटरवल के बाद आप टाइम आउट करते हैं और जितना भी डेटा अवेलेबल होता है वो एक सेगमेंट की फॉर्म में भेज देते हैं सो दिस इज़ द मैकेजम जिस तरह से टीसीपी जो है वो एप्लीकेशन डेटा को भेजता है इसमें ये चीज़ का ख्याल रखिए कि एप्लीकेशन जस्ट राइट्स दाइट्स इन दफर टीसीपी उस सारे डेटा को इकट्ठा करता रहता है नॉट इन दी सेम बाउंड्रीज जो कि उस एप्लीकेशन ने लिखवाए थे वो सारा डेटा एप्लीकेशन टीसीपी के लिए एक कंप्लीट स्ट्रीम है वो इसमें से थोड़ा थोड़ा डेटा एज पर दी रिक्वायरमेंट वो रिसीवर एंड को भेजा जाता है और रिसीवर भी सेगमेंट्स के अंदर रिसीव होने वाले सारे डेटा को इकट्ठा करके एक रिसीव बफर में रखता जाता है एप्लीकेशन अपनी मर्ज़ी से जितनी जितनी उसकी रिक्वायरमेंट होती है जब उसको मौका मिलता है तो वो उस रिसीव बफर में से इस रिसीव्ड डेटा को पढ़ती जाती है तो ये आपका डेटा सेंड करने का मॉडल था एंड द थर्ड फेज विच इज़ द डाउन फेज हमने कहा कि जब भी आपने कनेक्शन के ऊपर डेटा भेजना खत्म कर दिया टीसीपी रिक्वायर्स अ ग्रेसफुल टर्मिनेशन ऑफ कनेक्शन उसके अंदर हमने ये चीज़ मेंटेन करनी है कि आप इस में ये चार सेगमेंट्स भेजेंगे फोर वे हैंड शेक उसको कह लें या फोर स्टेप टीयर डाउन प्रोसेस है जिसके अंदर पहले फिन का सेगमेंट जाएगा एनी साइड कैन डिसाइड टू तो क्लोज अ कनेक्शन वो फिन का सेगमेंट भेजेगी और फिन के सेगमेंट का रिस्पॉन्स फौरन ही फिन की एक्नोलिजमेंट के केस में आ जाएगा बट इट इज स्टिल पॉसिबल कि अदर साइट स्टिल वॉन्ट टू कंटिन्यू सेंडिंग द डेटा तो वो अपनी साइड से अभी कनेक्शन को क्लोज नहीं करेगी वेन दी एप्लीकेशन एट दैट एंड डिसाइड ठीक है अब यहां से भी हमने कनेक्शन को क्लोज करना है तो फिर वहां से फिन का सेगमेंट आएगा और इसी तरह से इसकी एक्नॉलेजमेंट वापस जाएगी तो so स्टूडेंट्स ये जो चार सेगमेंट्स हमने एक्सचेंज किए इसके बाद टीसीपी का कनेक्शन जो है वो कम्प्लीटली क्लोज हो जाएगा ये तो था टी का मॉडल ऑफ यूज उसके बाद हमने टी का हेडर देखा और हम उसकी फील्ड्स को भी स्टडी किया कि कौन कौन सी फील्ड्स हैं उनके क्या मकसद है और हम उनको किस तरह से यूज़ करते हैं चेकसम के बारे में हमने कहा कि उसी तरह से कंप्यूट करते हैं जिस तरह यूडीपी में करते हैं यानी एक सूडो हेडर भी फॉर्म करते हैं जो कि आईपी हेडर की वैल्यूज के ऊपर भी बेस्ड करता है सोर्स आईपी एड्रेस डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस प्रोटोकॉल वैल्यू एंड टीसीपी लेंथ उसी तरह से सूडो हेडर कंपोज होता है आपके पास सिक्सटीन बिट का ही पोर्ट नंबर है सोर्स के लिए सिक्सटीन बिट का पोर्ट नंबर डेस्टिनेशन के लिए देन यू हैव थर्टी बिट एक्नोलमेंट एंड सीक्वेंस नंबर आपके पास सीक्वेंस नंबर हैं और इससे मैंने आपको ये बात बताई थी दैट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि टीसीपी में ये जो सीक्वेंस नंबर होता है इट इज़ दीक्वेंस नंबर ऑफ द बाइट्स नॉट ऑफ देंट्स और दैकेट्स ये भी जहन में रखिए कि ये सीक्वेंस नंबर हम इनिशियली रेंडमली स्टार्ट करते हैं ईच साइड पे आ रेंडम नंबर और उसके बाद फिर वो इसको इंक्रीमेंट करते जाते हैं और जब ये 32 बिट का सीक्वेंस नंबर कंप्लीट होता है तो रैप रैपराउंड होता है इसके बाद हमने देखा था कि हेडर लेंथ की एक फील्ड है और जिसको हम फोर बाइट के वर्ड के मल्टीपल्स में लिखते हैं मिनिमम हेडर चूंकि आपके पास ट्वेंटी बाइट का टी सी का तो मिनिमम वैल्यू इस हेडर लेंथ की फील्ड के अंदर फाइव होगी इसके बाद हमने देखा कि टीसीपी के हेडर के अंदर हमारे पास कुछ फ्लैग्स हैं ये सिक्स फ्लैग्स जो हैं उसमें अर्जेंट फ्लैग है टू पॉइंट आउट के हमारे पास अर्जेंट डेटा है सेगमेंट के अंदर एक्नोलिजमेंट का फ्लैग टू के इस सेगमेंट के अंदर जो एक्नॉलेजमेंट की फील्ड के अंदर नुमेरिक वैल्यू लिखी हुई है इट इज़ वैलिड और वो किसी सेगमेंट को एक्नॉलेज करने के लिए इंडिकेट की जा रही है देन पुश का फ्लैग जिससे हमें पता चलता है कि एप्लीकेशन वांट्स टू सेंड इट एज सून एज पॉसिबल और यही चीज़ हम रिसिविंग एंड के ऊपर भी नोटिफाई कर देते हैं रीसेट का फ्लैग अगर कोई चीज़ एबनॉर्मल हैपन हो जाए दैन वी हैव टू री सेट कनेक्शन और अबाउट दी कनेक्शन इसके लिए हम रीसेट का फ्लैग यूज़ करते हैं सिंक का फ्लैग ऑब्वियसली वैन वी हैव टू इनिशिएट अ कनेक्शन ये सिंक का फ्लैग हम उसके अंदर यूज़ करते हैं एंड फाइनली फिन का फ्लैग फिन मीन्स टू टर्मिनेट कनेक्शन और जब फिन का फ्लैग जो है वो हमारे पास आता है तो इसका मतलब ये है कि दिस इज दी लास्ट सेगमेंट दैट इज सेंट और उसके साथ एक सीक्वेंस नंबर भी एसोसिएटेड होता है तो स्टूडेंट्स यहाँ तक हमने डिस्कशन की थी अपने पिछले लेक्चर के अंदर अब हम इसी जगह से आगे अपने टॉपिक को लेकर चलते हैं इसके बाद जो हेडर की मज़ीद फील्ड्स हैं उसमें आप देखिए कि आपको 16 बिट की एडवर्टाइज्ड विंडो मिलेगी नाउ व्हाट इट इज फॉर असल में ये वो विंडो है जो कि कि रिसीवर एंड के ऊपर कितनी कैपेबिलिटी है कितनी गुंजाइश है कितनी बफर कैपेसिटी है इन ऑर्डर टू रिसीव मोर बाइट्स सो दिस इज इनफेक्ट रिप्रेजेंटिंग रिमेनिंग इन द रिसीव विंडो एट द रिसीवर एंड इससे हमें पता चलता है कि हमें कितना डेटा भेजना चाहिए जो कि रिसीवर इजीली अकोमोडेट कर लेगा अगर हम इससे ज़्यादा डेटा भेजेंगे तो पॉसिबली वो डेटा जो है वो डिस्कार्ड हो जाएगा एंड देर विल बी नो यूज सेंडिंग मोर डेटा दैट रिसीवर इज़ नॉट एबल टू अकोमोडेट इसके बाद आप देखिए सिक्सटीन बिट का चेक सम जो कि मैंने आपको पहले बताया कि वो इस हेडर के ऊपर डेटा के ऊपर और सूडो हेडर के ऊपर कंप्यूट होता है एंड देन यू हैव अर्जेंट पॉइंट वो भी सिक्सटीन बिट का है अगर आपके TCP के हेडर के अंदर अर्जेंट का फ्लैग सेट है देन इट मीनस दैट देर इज अर्जेंट डेटा इन दिस सेगमेंट और ये जो अर्जेंट पॉइंटर है ये असल में ऑफ सेट है ये आपको बता रहा है कि किस पोजीशन के ऊपर आपका जो अर्जेंट डेटा है वो अवेलेबल है वेरी प्रिसाइसली असल में अर्जेंट पॉइंटर जो है वो अर्जेंट डेटा के नेक्स्ट बाइट को पॉइंट कर रहा होता है यानी इट मे भी कंसिडर्ड एज डिफिकल्ट टर्मिनोलॉजी बट अर्जेंट पॉइंटर इन फैक्ट पॉइंट बाइट ऑफ नॉन अर्जेंट डेटा यानी अर्जेंट डेटा हम हमेशा टी सी पी के सेगमेंट के स्टार्ट से शुरू करते हैं और अर्जेंट प्वाइंटर हमें बताता है वो ऑफसेट कितने बाइट के बाद नॉन अर्जेंट डेटा जो है वो स्टार्ट होगा स्टूडेंट हम ये देखते हैं कि टी सी पी के फ्लो के अंदर ये सब चीजें जो भी हमने एक्सप्लेन की वो किस तरह से चलेंगी अगर आप इस सारी कनेक्शन स्टैब्लिशमेंट टर्मिनेशन और ये जो हम सेगमेंट्स की फॉर्म में डेटा भेज रहे हैं इसको सिंपलीफाई करें और सिर्फ एक एंड के ऊपर गौर करें कि टीसीपी के एक एंड से डेटा जो है वो फ्लो कर रहा है दूसरी एंड के ऊपर और वहां से उसकी एक्नोलिजमेंट्स वापस आ रही तो इस एक साइड के कनेक्शन के ऊपर असल में हो ये रहा है कि आप डेटा भेज रहे हैं विथ सीक्वेंस नंबर Receiving end क्या कर रही है एक्नोलेंट भेज रही है विद सीक्वेंस नंबर एंड एंड एडवर्टाइज विंडो यानी रिसीविंग ने आपको यह भी बताया कि मेरे पास इस वक्त इतनी बफर कैपेसिटी रिमेनिंग है यू कैन सेंड दैट मच अमाउंट ऑफ डेटा मोर इसी को हम एक डायग्राम की फॉर्म में देखते हैं अगर आप स्क्रीन पे देखिए जो डायग्राम आपको नजर आ रही है तो इसमें एक सेंडर है और एक रिसीवर है सेंडर जो है वो रिसीवर को डेटा भेज रहा है के साथ, और रिसीवर जो है वो एक्नोलेजमेंट और एडवरटाइजो के साथ पी केडर के, के अंदर ऑप्शन की फील्ड भी है इन ऑप्शन के अंदर हम क्या चीज मैंशन कर सकते हैं सबसे पहले तो देखिये कि इसी ऑप्शन के अंदर हम एम एस एस यानी मैक्सिमम सेगमेंट साइज को निगोशिएट कर सकते वन साइड विल बी सेंड कि दिस शुड बी दी एम और दूसरी साइड फिर निगोशियेट करेगी और जो भी वैल्यू निगोशिएट होगी वो फिर फाइनली एक साइड के ऊपर यूज की जाएगी ये भी देखिए कि हम एम की वैल्यू इसलिए निगोशिएट करते हैं ताकि दोनों साइड्स को जितनी भी इंफॉर्मेशन है अपने लोकल एम के बारे में वो एक्सचेंज हो जाए और हमें आईपी की जो फ्रेगमेंटेशन है वो ना करनी पड़े बिकॉज इट इज कॉस्टली हम वो आईपी लेयर के ऊपर जब डिस्कशन की थी तो उस बारे में हमने बात की थी हम आई पी की फ्रेगमेंटेशन को अवॉइड करने के लिए इस एमएसएस को निगोशिएट करते हैं और इसलिए भी निगोशिएट करते हैं कि अगर हम ज्यादा बड़ा डेटा भेज सकते हैं तो वाई नॉट वी शुड सेंड लार्ज सेगमेंट ऑल्सो एक और चीज जो टीसीपी की ऑप्शन के अंदर हम निगोशिएट कर सकते हैं दैट इज दैकेट टाइम स्टैंड हमने अभी तक देखा कि जो आपके पास आर टी टी है इट इज़ यूज फॉर दैलकुलेशन ऑफ फ्री ट्रांसमिटेड पैकेट लेकिन ये हो सकता है कि आपका जो आर टी टी है वो बहुत ज्यादा हो अगर आपका आर टी टी बहुत ज़्यादा हो या ये भी पॉसिबिलिटी है कि आर टी टी तो एक रिजनेबल अमाउंट के अंदर हो लेकिन आपका लिंक बहुत ही हाई स्पीड हो इसका मतलब यह है कि आप बहुत तेज़ी के साथ सेगमेंट्स भेजेंगे और वो जो आपका सीक्वेंस नंबर रैप अराउंड है वो बहुत जल्दी आ जाएगा इट मे बी पॉसिबल फॉर एग्जाम्पल यू हैव अ वेरी हाई स्पीड गीगा बेट पर सेकेंड नेटवर्क जिसके थ्रू आप कम्युनिकेट कर रहे हैं और आर टी टी भी कम है और आर टी टी भी ज़्यादा है और आपने जो है वो डेटा भेजना शुरू किया और आपके पास अनएकनोलेज फ्रेम्स जो हैं वो पड़े हुए हैं और इससे पहले कि वो एक्नोलेज होते सीक्वेंस नंबर रैप अराउंड करके और सीक्वेंस नंबर रैप अराउंड करके उस जगह पर पहुंच गए जिस फ्रेम की अभी आप एक्नोलेंट वेट कर रहे थे यू शुड डू शुड यू स्टॉप सेंडिंग द डेटा दू विल स्टॉप सेंडिंग दस इसका मतलब यह है कि आप link को यूटिलाइज नहीं कर रहे यू आर नॉट कीपिंग दाइप फुल टीसीपी के इस कनेक्शन के ऊपर आप और सेगमेंट और बाइट भेज सकते हैं बट जस्ट बिकॉज दैट इट इज वेरी हाई स्पीड लिंक ट सिग्निफिकेंट एंड यू डोंट है डेटा नहीं भेज सकते प्रॉब्लम यह है कि अगर आपने मजीद डेटा भेजा तो जब एक्नॉलेजमेंट आएगी यू विल भी कंफ्यूज बिकॉज इट्स द सेम सीक्वेंस नंबर तो जब तक आपके पास सीक्वेंस नंबर एक दफा कंप्लीट रैप अराउंड होके वहां पर पहुंच जाता है जितना आपने डेटा भेजा था उससे ज्यादा आप नहीं भेज सकते ऐसी सूरत में क्या करना है टीसीपी प्रोवाइड एन ऑप्शन के आप ऑप्शन के अंदर एक टाइम स्टैम्प एड करप्रिटेशन होगी सीक्वेंस वैल्यू के साथ होगी अब आपने सीक्वेंस नंबर जो है वो, तो वो सिक्सटीन बिट से बढ़ाकर असल में थर्टी टू बिट तक एंड इट इज लार्ज थर्टी टू बिट का जो आपने सीक्वेंस नंबर है उसको कर दिया क्योंकि आपके पास पहले 32 टू बिट का सीक्वेंस नंबर था अब आपने टाइम एडिशनल एड कर दिए यू कैन ऑल्सो निगोशिएट दूलिटी ऑफ एडवर्टाइज सपोज आपके पास 16 बिट की एडवर्टाइज विंडो है अब 16 बिट के अंदर जो मैक्सिमम वैल्यू आप कम्युनिकेट कर सकते हैं आप वही करेंगे लेकिन अगर ऐसी पॉसिबिलिटी मौजूद है रिसीवर एंड के ऊपर उसके पास लार्ज बफर स्पेस है एंड इट कैन अकोमोडेट फास्ट ट्रांसमिशन ऑफ डेटा फास्ट रिसेप्शन ऑफ डेटा तो वो किस तरह से कम्युनिकेट करें ऑब्वियसली चूंकि ये सिक्सटीन बिट की एडवरटाइजमेंडो है तो सिक्सटीन बिट से ज्यादा बड़ी वैल्यू आप इसमें नहीं भेज सकते तो आप ये करते हैं कि यू जस्ट स्केल डेटा आप इसकी ग्रेनुलैरिटी सेट करते हैं फॉर एग्जाम्पल यू जस्ट शिफ्ट द बिट्स और आप कहते हैं कि अगर मैं वैल्यू फॉर एग्जाम्पल एक्स भेजूँ यू जस्ट कंसिडर इट एज टू एक्स या आप इसको फोर के ऊपर जब स्केल अप करते हैं तो आप कहते हैं कि अगर मैं वैल्यू टू भेजू जस्ट कंसिडर इट एज एट यू आर मल्टीप्लाइंग इट विद विद दरिक वैल्यू तो ये जो स्केलिंग अप है एडवर्टाइज विंडो की ताकि आप ज़्यादा बड़ी वैल्यू जो है वो कम्युनिकेट कर सकें सेंडर एंड को ऑब्वियसली वैन इट मेक सेंस कि रिसीवर के पास बफर स्पेस काफ़ी ज़्यादा है लिंक हाई स्पीड है सेंडर जो है वो भी हाई स्पीड के ऊपर डेटा भेज सकता है एंड यू कैन दी नेटवर्क रिसोर्स अवेलेबल उस सूरत में फिर आप ये विंडो को स्केल कर सकते स्टूडेंट ये तो था हमने जो टी के हेडर का रिव्यू किया इसकी जो मुख्तु किस्म की फील्ड हैं उनके बारे में डिस्कस किया और उसके बाद अब हम मूव करेंगे जो टी की स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम है उसके ऊपर जिससे मैंने आपको बताया कि टी सी पी इज अटेटफुल प्रोटोकॉल मल्टीपल स्टेट्स के अंदर ये ऑपरेट करती है और कोई भी सेगमेंट जब रिसीव होता है इट इज़ इंटरप्रेटेड इन दी कॉन्टेक्सट ऑफ दिस टीसीपी स्टेट तो हम इसी के मतलब अब आगे बात करते हैं और टीसीपी के स्टेट ट्रांसलेशन डायग्राम और टीसीपी की जो ये स्टेट्स हैं सारी इनको डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स टीसीपी की जो स्टेट डिस्क्रिप्शन है इसमें हम सबसे पहले इस चीज़ को देख लेते हैं कि हमारे पास कौन कौन सी स्टेट्स हैं जो कि टीसीपी के अंदर यूज होती है बाई डिफॉल्ट हर जो टीसीपी का एंड है वो क्लोज स्टेट में होता है सो दिस इज द फर्स्ट स्टेट विच वी कॉल एज अ क्लोज्ड स्टेट क्लोज स्टेट में कोई कम्युनिकेशन नहीं हो रही कोई पैकेट आपने भेजा नहीं हुआ यू आर नॉट वेटिंग फॉर एनी सेगमेंट एटसेट्रा नथिंग सो इट इज़ द क्लोज स्टेट वेन नो कनेक्शन इज

सिंक रिसीव स्टेट वो स्टेट है जबकि आपको किसी और क्लाइंट साइट से सिंक रिसीव हुई है एंड यू हैव सेंट एन एक्नोलमेंट फॉर दिस सिंक अब आप वेट कर रहे हैं कि जो आपने सिंक एक्ट का सेगमेंट भेजा है उसकी फाइनल एक्नोलिजमेंट जो है वो आपको मिल जाए ताकि आपकी जो स्टेट है वो स्टेब्लिश स्टेट में मूव हो जाए येट एन अदर स्टेट इज सिंक सेंट ये यूजली क्लाइंट साइट के ऊपर होगी कि जब क्लाइंट ने ये डिसाइड किया कि उसने किसी सर्वर एंड से कोई कनेक्शन स्टैब्लिश करना है तो वो सिंक सेगमेंट भेजेगा और सिंक सेंट सिंकट में चला जाएगा अब असल में वो वेट कर रहा है अपने सिंक की एक्नोलेजमेंट और दूसरे का जो सिंक है वो रिसीव करना है उसने इसके बाद आपकी जो मेन स्टेट है दैट इज दम स्टेट हम स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम के अंदर देखेंगे कि जब आपका कनेक्शन स्टैब्लिश हो जाता है देन इट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ स्टेट नोन एज Established state. इसके अंदर भी बहुत सारी सब स्टेट हैं लेकिन हम कॉम्प्लेक्सिटी में नहीं जाएंगे और इसको सिंपल रखने के लिए एवरी थिंग इन साइड स्टेट कंसिडर एज एस्टैब्लिश स्टेट जब आपने कनेक्शन टीयर डाउन करना है तब भी आप मल्टीपल स्टेट में से गुजरते हैं एक स्टेट है क्लोज वेट की दैट कनेक्शन क्लोज टू दियर एंड यू आर वेटिंग के वहां से भी क्लोज हो जाए देन लास्ट एक्नोलॉजमेंट क्लोज बाय द पियर आपका जो पियर एंड है उसने कनेक्शन को क्लोज कर दिया एंड यू हैव ऑलरेडी क्लोज इट लोकली एंड नाउ यू आर जस्ट वेटिंग फॉर दलमेंट लास्ट एक्ट दिस इज दिन वेट वन दैट कनेक्शन इज क्लोज लोकली यू हैव सेंट दिन सेगमेंट एंड यू आर वेटिंग फॉर इट्स एक्नोलॉजमेंट फिन वेट टू इसका मतलब यह है कि आपने आपको अपने फिन की एक्नॉलेजमेंट मिल गई है और अब आप वेट ये वेट करें कि दूसरा जो एंड है वो भी फिन भेजे और कनेक्शन जो है वो क्लोज uh, हो जाए क्लोजिंग मीन्स दैट बोथ एंडस हैव क्लोज साइमल्टेनियसली दोनों एंडस ने फिन भेज दी है और अब एक दूसरे की एक्नॉलेजमेंट जो है वो जब रिसीव होगी तो फिर ये क्लोज हो जाएगा और उसके बाद एक लास्ट स्टेट दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट विच इज़ द टाइम वेट स्टेट Now you are waiting for the network to discard the related packets. उस कनेक्शन से related कुछ जो भी packets हैं क्योंकि दोनों side से कनेक्शन अब close हो चुका है and you don't want कि अब अगर कोई ऐसा packet है जो कि late हो गया network के अंदर अभी तक नहीं मिला अब वो आके किसी नए कनेक्शन को जो कि बाद में form हो वो abort करवा दे। इसलिए आप time wait करते हैं जो कि 2 MSL एस एल maximum segment lifetime सेगमेंट टाइम वो भी आगे देखेंगे स्टूडेंट्स ये जो मैंने आपको स्टेट्स बताई हैं जो कि मेनली डील करती हैं कनेक्शन इस्टेब्लिशमेंट के फेज में और कनेक्शन टियर डाउन के फेज में जब कनेक्शन इस्टैब्लिश हो चुका है उस वक्त हमने कहा कि हम उसको सिर्फ एक ही स्टेट से रिप्रेजेंट करेंगे दैट इज स्टेट असल में हम जिन चीजों के ऊपर फोकस करना चाहते हैं वो टी की वो स्टेट्स हैं जिसमें अभी कनेक्शन इस्टेब्लिश हो रहा है और वो स्टेट जिसमें अब कनेक्शन टर्मिनेशन स्टार्ट हो चुकी है इन्हीं चीज़ों को डिटेल से और ज़्यादा बेहतर तरीके से देखने के लिए आइए इस डायग्राम की तरफ देखते हैं ये टीसीपी की स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम है ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है इसको आप अच्छी तरह से समझ लीजिए अंडरस्टैंड कर लीजिए क्योंकि जब आपको ये चीज़ समझ आ जाएगी तो टीसीपी को में किस सेगमेंट के ऊपर क्या रिएक्शन होता है किस तरह से टीसीपी एक स्टेट से दूसरी स्टेट में मूव करती है ये आपके लिए समझना आसान हो जाएगा इस डायग्राम में देखिए सबसे पहले है क्लोज स्टेट इस डायग्राम के अंदर रिप्रेजेंट इस तरह से किया गया है कि सबसे पहले लिखा गया इवेंट उसके बाद स्लैश एक्शन ये है इसकी टर्मिनोलॉजी जिससे आपको इसको समझने में मदद मिलेगी फॉर एग्जाम्पल अगर आप सिंक रिसीव के ऊपर देखें तो लिखा हुआ है सिंक स्लैश सिंक प्लस एक। इसका मतलब यह है कि इवेंट जो अकर हुआ है दैट इज रिसेप्शन ऑफ अ सिंक सेगमेंट और जो एक्शन आपने उसके ऊपर किया है दैट इज़ यू हैव सेंट सिंक प्लस एक्गमेंट इस तरह से आप इसको इंटरप्रेट कर सकते हैं अब हम इसको एक-एक स्टेट -एक करके देखना शुरू करते हैं। बाय सेंडिंग दिंग सेगमेंट यू कैन अगेन गो टू क्लोज स्टेट बाय क्लोजिंग इसी तरह से जो सर्वर एंड है वो पैसिव ओपन करता है यानी वो लिसन स्टेट में जाता है और वेट करता है कि उसको कोई सिंक मिले लिसन से यूजुअली आप सिंक रिसीव करते हैं और सिंक सिंक सेंड स्टेट और फिर जैसे ही आपको सिंक प्लस एक्ता है तो आप एक सर्वर साइड के ऊपर सिंक रिसीवलीटिंग फॉर दास्ट एक्नोलेजमेंट और जैसे ही वो आपको अपने सिंह uh, की

पहुंच जाते हैं दूसरी साइड ने अभी कनेक्शन क्लोज नहीं किया है ये आपने कनेक्शन क्लोज किया सो यू आर वेटिंग फॉर द ऑफ योर फिन सेगमेंट जैसे ही आपको एक्नोलॉजमेंट आती है आप फिन वेट वन से निकलकर फिन वेट टू के अंदर चले जाते हैं अब आप असल में वेट कर रहे हैं कि आपकी साइड से तो एप्लीकेशन ने क्लोज कर दिया है अब दूसरी साइड से भी एप्लीकेशन जो है वो कनेक्शन को क्लोज करे जैसे ही आपको दूसरी साइड से फिन का सेगमेंट मिलता है आप उसको एक्नोलेज करते हैं और टाइम वेट स्टेट में चले जाते हैं इसी तरह से यह भी हो सकता है कि आप फिन वेट वन में हैं यानी आपने भी फिन का सेगमेंट भेजा है और साथ ही आपको भी फिन का सेगमेंट मिल गया ये वो सिनेरियो है जिसमें असल में दोनों जो एप्लीकेशंस हैं वो एक ही टाइम के ऊपर क्लोज करने की कोशिश करती हैं आपने एक्नोलिजमेंट भेजी और क्लोजिंग में चले गए आप अपने फिन सेगमेंट का एक्नोलिजमेंट मिली आप टाइम वेट स्टेट में आ गए एक जो आपको दरम्यान में आर्क नजर आ रही है दरम्यान में एक लाइन नजर आ रही है डायगनल उसमें यह है कि आपने फिन भेजा और आपको एक प्लस फिन मिल गया ये वो सिनेरियो है कि जब एप्लीकेशन को फिन सेगमेंट पीयर एंड से रिसीव हुआ और उसी टाइम पर उसने भी डिसाइड किया दैट दैट एप्लीकेशन हैज टू क्लोज तो उसने ना सिर्फ दूसरे के फिन के एक्नोलमेंट भेजी साथ ही अपना फिन भी भेज दिया आपने इसको एक्नोलेज किया और टाइम वेट स्टेट में आ गए अब हम दूसरी लेग देखते हैं एस्टेब्लिश स्टेट से वो एंड जिसने खुद से डिसाइड नहीं किया क्लोज करने के लिए उसको फिन मिला उसने भेज दी और वेट में चला गया। यानी ये वो वो है है, है, जिसमें आप कर कर रहे हैं कि दूसरे एंड ने कर दी है, अब मेरी जो कब करेगी? जैसे ही आपको की की तरफ से की इंडिकेशन होती है आप फिन का सेगमेंट भेजते हैं और लास्ट एक्ट वाली स्टेट में चले जाते हैं लास्ट एक्ट में अब आप वेट करें कि आपको एक्नोलॉजमेंट मिले मिली यू गो टू द्लोज स्टेट तो स्टूडेंट्स ये हमने एक रिव्यू किया इस डायग्राम का क्लोज स्टेट से स्टार्ट किया और क्लोज स्टेट के ऊपर एंड किया इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो स्टेट है दैट इज टाइम वेट स्टेट जिसमें आपने देखा कि वो एंड जिसने इनिशिएट किया क्लोजिंग वो हमेशा टाइम वेट स्टेट में जाता है क्यों इसलिए कि बहुत सारे नेटवर्क के अंदर सेगमेंट जो हैं वो मौजूद हो सकते हैं और वो टाइम वेट स्टेट में जाके ये मेक श्योर sure करता है कि अगर दूसरे एंड की तरफ से कुछ सेगमेंट्स बाद में आते हैं कनेक्शन क्लोज हो जाने के बाद जो कि असल में डिले हो गए तो वो मेरे किसी नए कनेक्शन को अबॉट ना करते स्टूडेंट्स ये टीसीपी की जो स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम है इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ टीसीपी मूव फ्रॉम वन स्टेट टू अब हम देखते हैं फॉर एग्जाम्पल कि वो कौन सा यूजल पाथ होगा जो कि कोई एक सर्वर जो है वो फॉलो करेगा सर्वर जो पाथ फॉलो करेगा वो क्लोज्ड स्टेट में सबसे पहले लिसन में जाएगा यानी पैसे वो ओपन करेगा लिसन स्टेट से वो सिंक रिसीव्ड में जाएगा यानी क्लाइंट उसको कांटेक्ट करेगा तो वो सिंक रिसीव्ड में आ जाएगा सिंक एक भेजेगा और जब उसको एक मिलेगी तो सिंक रिसीव से एस्टेब्लिश स्टेट में चला जाएगा जो आपकी क्लाइंट साइड है वो यूजली क्लोज से सिंक सेंट में जाएगी क्योंकि उसने एक्टिव ओपन किया है तो वो खुद से सिंक का सेगमेंट भेजेगी सिंक सेंड से जब उसको सिंक प्लस एक मिलेगा तो वो एक भेजकर एस्टेब्लिश स्टेट में मूव कर जाएगी अब क्लोजिंग तो कोई भी कर सकता है हम अस्यूम करते हैं कि लेट्स सपोज क्लाइंट साइड ने ही क्लोज करना है। तो जब क्लाइंट साइड क्लोज करेगी तो वो फिन का सेगमेंट भेजेगी और फिन वेट वन में आ जाएगी जैसे उसको एक्नॉलेजमेंट मिलेगी तो वो फिन वे में चले जाएगी और सर्वर साइड से जब उसको फिन का मिलेगा तो उस वक्त वो फिन वेट टू से वेट स्टेट में चले जाएगी भेजकर लाइकवाइज सर्वर एंड के ऊपर क्लोजिंग किस तरह से होगी जब उसको फिन मिलेगा तो वो फिन की एक्नोलमेंट करके क्लोज वेट में चला जाएगा और एप्लीकेशन के क्लोज करने का वेट करेगा और उसके बाद जब एप्लीकेशन क्लोज करेगी तो वो लास्ट एक स्टेट में चला जाएगा फिन का सेगमेंट भेजकर जैसे एक आएगी वो क्लोज स्टेट में चला जाएगा ये तो हमने देखे दो नॉर्मल पाथ जो कि एक क्लाइंट साइट के ऊपर फॉलो होंगे और एक सर्वर uh, साइट के ऊपर स्टेट इस तरह से ट्रांजेक्शन करेगी अब हमारे लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो ये कि वी शुड क्लियरली अंडरस्टैंड कि वट इज दर्पज ऑफ टाइम वेट स्टेट ये टाइम वेट स्टेट आखिर हमने क्यों बीच में ऐड किए वाई नॉट के आखिरी एक्नोलिजमेंट जब मिलती है तो वो फॉरन क्लोज में चला जाए ये चीज जहन में रखिए कि नेटवर्क के अंदर कुछ पैकेट्स जो हैं वो डिले हो जाते हैं और वो कई दफा काफी ज्यादा डिले हो जाते हैं ये हो सकता है कि दोनों साइड्स कनेक्शन को क्लोज करें और उसके बाद एप्लीकेशन दोबारा से इन्वॉक हो जाए जब वो दोबारा से इन्वोक हो जाएगी तो इट इज वेरी मच पॉसिबल कि उन्ही पोर्ट नंबर के ऊपर ये एप्लीकेशन दोबारा से कनेक्शन इस्टैब्लिश कर ले अब अगर एक नया कनेक्शन इस्टेब्लिश हो चुका है और पुराने कुछ पैकेट्स जो हैं टीसीपी के सेगमेंट्स वो नेटवर्क में मौजूद थे और अचानक एक जगह पर आ जाते हैं रिसीव हो जाते हैं जब वो पैकेट्स रिसीव होते हैं तो चूंकि सेंडर और रिसीवर पोर्ट नंबर सेम है आईपी एड्रेस सेम है तो वो इस नए कनेक्शन के अंदर इंजेक्ट हो जाएंगे लेकिन आप देखिए कि यूजुअली सीक्वेंस नंबर जो है वो डिफरेंट होगा विद हाई प्रोबेबिलिटी इससे होगा ये कि वो जो पुराना पैकेट जब रिसीव होगा तो ये नया कनेक्शन रीसेट हो जाएगा क्यों इसलिए कि सीक्वेंस नंबर जो है वो मैच नहीं करेगा तो इस चीज को अवॉइड करने के लिए कि आपके पुरानी इंकारनेशन के जो पैकेट्स हैं वो एक नई इंकारनेशन ऑफ द कनेक्शन को कहीं आकर डिस्टर्ब ना करें क्लोज ना कर दें हम टाइम वेट स्टेट में चले जाते हैं और टाइम वेट स्टेट में सिर्फ एक एंड जाता है बिकॉज दैट इज जब वो एंड जो है वो टाइम वेट स्टेट में जाता है तो असल में वो पोर्ट नंबर और इस कनेक्शन को ब्लॉक करके रखते हैं ताकि इस इंकारनेशन को कोई दूसरी नई इंकारनेशन जो कनेक्शन की है उससे डिस्टरबेंस ना हो कितनी देर हम टाइम वेट स्टेट में रहते हैं टू एम एस एल टू आइज दम सेगमेंट लाइफ टाइम ये हम अस्यूम करते हैं कि इंटरनेट के अंदर कितनी देर जो है वो एक पैकेट रह सकता है हम ज्यादा कॉशन को ऑब्जर्व करते हुए प्रूडेंटली ट्वाइस दैट टाइम वेट करते रहते हैं इसके बाद कोई पॉसिबिलिटी नहीं रहती कि आपके पास एक पुराना पैकेट जो है वो अब नेटवर्क के अंदर से डिले होता हुआ आ जाए अच्छा ये चीज भी जहन में रखिए कि अगर हम ये समझते हैं कि टाइम वेट स्टेट जो है वो इतनी ही इंपॉर्टेंट है कि आप इसके अंदर जाए दो एम वेट करें ताकि पुराने पैकेट्स जो हैं वो किसी नई इनकारनेक्शन जो है इसी कनेक्शन की उसको अबॉट ना कर दें तो क्या ये चीज़ गारंटिड है कि कम से कम दोनों साइड्स में से एक साइड जो है वो टाइम वेट स्टेट में ज़रूर जाएगी इसको हम कैसे प्रूफ कर सकते हैं इसको हम इस तरह से प्रूव करते हैं कि हम ये चीज़ प्रूव करते हैं कि दोनों के दोनों यानी दोनों एंड जो हैं वो उस पाथ को फॉलो नहीं कर सकते जिसमें टाइम वेट स्टेट आती है यानी हम ये चीज प्रूव करते हैं कि दोनों एंड्स में है वो क्लोज वेट में नहीं जा सकते इफ वी प्रूव दिस कि दोनों एंड्स में है वो क्लोज वेट में नहीं जा सकते इट विल बी ऑटोमेटिकली प्रूव कम अज कम उसमें से एक जो है वो जरूर टाइम वेट स्टेट में से पास करेगा अब आप देखिए क्लोज वेट स्टेट में कौन जा सकता है स्टेट में से जब तक आपको फिन का सेगमेंट नहीं मिलता आप क्लोज वेट के अंदर नहीं जा सकते इट कि किसी ने फिन का सेगमेंट यानी पियर एंड ने फिन का सेगमेंट भेजा है तो आप क्लोज वेट स्टेट में गए हैं और अगर उसने फिन का सेगमेंट भेजा है तो इसका मतलब यह है कि वो जो पियर एंड है इट इज ऑलरेडी इन फिन वेट वन इट मीन्स दैट वी हैव प्रूव्ड कि एक ना एक साइड जो है दोनों टीसीपी के कनेक्शन के दोनों एंड में से एक साइड जो है वो जरूर फिन वेट वन में जाएगी वो जब तक फिन वेट वन में जाए नहीं जाएगी दूसरी साइड जो है वो क्लोज वेट में जा ही नहीं सकती देखें ये चीज पॉसिबल है कि दोनों एंड जो है वो टाइम वेट स्टेट में से गुजरे क्यों क्योंकि फॉर एग्जाम्पल आपने फिन भेजा दूसरे एंड ने भी उसी टाइम पर डिसाइड किया दोनों ने फिन भेज दिया बोथ ऑफ द एंड विल गो टू फिन वेट वन दिस इज नॉट अ प्रॉब्लम बिकॉज बोस्ट ऑफ दिल पास थ्रू दाइम वेस्ट स्टेट लेकिन ये नहीं होगा कि दोनों एंड में से कोई एक भी टाइम वेस्ट स्टेट में ना जाए और वेट ना करे तो स्टूडेंट ये तो था टाइम वेट स्टेट की इम्पोर्टेंस और जो टी सी पी की स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम है उसकी एक्सप्लेनेशन हमने अच्छी तरह से देख लिया कि टी सी पी इट्स अ स्टेटफुल प्रोटोकॉल तो वो किस तरह से एक स्टेट से दूसरी स्टेट के अंदर मूव करती है और जो रिसीव होने वाले सेगमेंट्स से हैं उनको उसी कॉन्टेक्ट के अंदर उसी परस्पेक्टिव के अंदर इंटरप्रेट भी करती है करेक्टली ताकि इंटरप्रेट हो सके अब हम इस टॉपिक से आगे चलते हैं और जो स्लाइडिंग विंडो की इंप्लीमेंटेशन है टीसीपी के अंदर जरा उसको देख लेते हैं हमने स्लाइडिंग विंडो को काफी डिटेल में देखा था जब हमने लिंक लेयर के जो इश्यूज हैं उनको डिस्कस किया था वहां पे आपने देखा था कि जो स्लाइडिंग विंडो के अंदर हमने सीक्वेंस नंबर्स लगाए थे वो सीक्वेंस नंबर्स असल में उन पैकेट्स के या उन फ्रेम्स के सीक्वेंस नंबर थे अब यहाँ पे सेगमेंट के सीक्वेंस नंबर्स तो होते नहीं तो टी में असल में जो सीक्वेंस नंबर हैं वो डिफाइन कर रहे हैं वो पॉइंट कर रहे हैं टू वर्ड बाइट सो सीक्वेंस नंबर आर द फैक्ट दिन टू दाइट स्ट्रीम कि कितनी बाइट्स आपको मिल चुकी हैं, कौन कौन सी बाइट्स मिल चुकी हैं, और कौन सी बाइट्स हैं वो अभी रिमेनिंग है लाइकवाइज जो एक्नोलिजमेंट का सीक्वेंस नंबर है इट इज एक्चुअली नेक्स्ट बाइट एक्सपेक्टेड हमें मालूम है कि जब हम टीसीपी के सेगमेंट के अंदर एक्नोलिजमेंट का सीक्वेंस नंबर भेजते हैं तो असल में ये वो सीक्वेंस नंबर होता है जो कि अभी रिसीव नहीं हुआ इट इज दाइट इट इज द सीक्वेंस नंबर ऑफ दाइट दैट इज नाउ एक्सपेक्टेड टू बी रिसीव अब हम आगे चलते हैं स्लाइडिंग विंडो को टी सी के कॉन्टेक्स्ट में देखने के लिए तो स्लाइडिंग विंडो के अंदर एक रिसीव बफर होता है एक सेंडर बफर रिसीव बफर टीसीपी के कॉन्टेक्स्ट में क्या क्या चीजें कंटेन करता है इट विल कंटेन द डेटा दैट इज रेडी फॉर डिलीवरी टू दी एप्लीकेशन अंटिल रिक्वेस्टेड रिसीव बफर के अंदर नेटवर्क के ऊपर से सारा डेटा रिसीव हो चुका है एंड इट इज रेडी टू बी डिलीवर टू एप्लीकेशन। अब वो जैसी एप्लीकेशन रिसीव को कॉल करेगी तो वो डेटा जो है वो एप्लीकेशन को पास ऑन कर दिया जाएगा प्लस उसके अंदर रिसीव विंडो के अंदर वो डेटा भी मौजूद होता है जो कि अभी आउट ऑफ ऑर्डर है अभी उसके दरमियान के कुछ सेगमेंट जो हैं वो मिसिंग हैं ऑबियसली वो डेटा हम एप्लीकेशन को पास नहीं कर सकते क्योंकि जहन में रखिए हमने कहा था कि टीसीपी जो है वो मिसिंग सेगमेंट्स को रीट्रांसमिट करवा कर आपको एक सीक्वेंस के अंदर पैकेट्स जो है वो ऊपर पास ऑन करेगी इसी एक स्लाइडिंग विंडो के मैकेनिज्म के जरिए हम ना सिर्फ ये कि सीक्वेंसड डिलीवरी ऑफ पैकेट्स को मेंटेन करते हैं बल्कि जो पैकेट्स मिस हो जाते हैं या जो डुप्लीकेट हो जाते हैं उनको भी इसी स्लाइडिंग विंडो मैकेनिज्म के थ्रू केटर फॉर करते हैं। अब हम आते हैं सेंडर साइड की विंडो की तरफ जिस तरह रिसीव साइड के ऊपर एक विंडो है उसी तरह सेंडर साइड के भी एक तो वो डेटा है जो कि अनएकनोलेज है यानी एप्लीकेशन ने आपको डेटा लिखवाया आपने उसको सेंड किया और अभी तक उसकी एक्नोलिजमेंट नहीं आई सेकेंडली वो डेटा है जो कि एप्लीकेशन ने आपके बफर में रख रखवाया लिखवाया और आपने अभी तक नहीं भेजा बिकॉज आपकी जो सेंड विंडो है वो अभी वहाँ पर मूव नहीं की जैसे जैसे एक्नोलिजमेंट्स आती जाएंगी आपकी ये विंडो जो है वो स्लाइड करके आगे मूव करती जाएगी और नया डेटा जो एप्लीकेशन लिखवा चुकी है वो आप सेंड करना शुरू कर देंगे तो ये दोनों चीजें जहन में रखिए कि रिसीव विंडो के अंदर आपके पास वो डेटा है जो कि आप एप्लीकेशन को पास कर सकते हैं और वो डेटा है जो कि अभी आउट ऑफ ऑर्डर है उसको आपने एक सीक्वेंस के अंदर लाना है और उन सेगमेंट्स का वेट करना है जो मिसिंग है सेंड विंडो के अंदर आपके पास वो डेटा है जो कि अभी अनएकनोलेज है यानी आप भेज चुके हैं एक्नोलमेंट नहीं आई और प्लस वो डेटा जो भी आपने भेजा ही नहीं क्यों क्योंकि आपकी सेंड विंडो अभी स्लाइड नहीं की है इसी स्लाइडिंग विंडो के कॉन्सेप्ट को अब हम दोबारा रिकॉल करते हैं उसी डायग्राम की फॉर्म में जो कि हमने लिंक लेयर के ऊपर भी डिस्कस की थी अगर आप इस डायग्राम को देखें और इसको अब टीसीपी के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो सेंडर साइड के ऊपर स्लाइडिंग विंडो किस तरह से शो होगी ये एक स्लाइडिंग विंडो है जिसमें विंडो का कोई एक साइज हो सकता है ग्रीन कलर में जो आपने बाइट्स देखी हैं, वो बाइट्स ये शो कर रही हैं कि ये सारी बाइट्स आपने सेंडर साइड से भेजी और ये सब की सब बाइट्स एक्नोलिज भी हो गई जो रेड कलर में बाइट्स शो हो रही हैं ये वो बाइट्स हैं जो कि आपने भेजी हैं लेकिन अभी तक इनकी एक्नोलिजमेंट नहीं आई और ग्रे कलर के अंदर जो बाइट्स हैं वो एप्लीकेशन ने आपको दे दी लेकिन अभी आप उनको भेज नहीं सकते क्यों इसलिए कि स्लाइडिंग विंडो जब स्लाइड करके आगे जाएगी तभी यह वाली बाइट के ऊपर ट्रांसमिट होंगी। अभी टीसीपी टीसीपी के के पास मौजूद सेंडर साइड के ऊपर जो बफर है उसमें मौजूद है जब यह विंडो स्लाइड करेगी फिर ही ये आगे मूव करेंगे अब आप रिसीवर साइड की विंडो देखिए एप्लीकेशन जो है वो बाइट्स को रीड करती जा रही है रिसीवर के बफर के में से ग्रीन कलर में जो बाइट्स मौजूद हैं वो सीक्वेंसड बाइट्स हैं जो एप्लीकेशन एक एक करके रीड कर रही है या जितनी उसके पास बफर की फैसिलिटी है उतनी रीड कर रही है रिसीव विंडो के अंदर जो बाइट्स हैं वो रेड कलर के अंदर शो हो रही हैं अब आप देख रहे हैं कि उसके अंदर कुछ जो पोर्शन हैं वो मिसिंग हैं ये इसीलिए मिसिंग हैं कि ये वाले सेगमेंट्स हम ऊपर रिसीवर एप्लीकेशन को पास नहीं कर सकते क्योंकि अभी इनके दरम्यान में जो सेगमेंट्स हैं वो मिसिंग है जो आपको ग्रे कलर में डेटा शो हो रहा है ये वो बाइट्स हैं कि अगर आपको रिसीव हो भी जाएं, आप उनको डिस्कार्ड कर देंगे इसलिए कि वो आपके जो रिसीवर विंडो है उसके बाहर है। you will not store those हैं यू विल नॉट स्टोर दोज बाइट्स अगर एप्लीकेशन अगर सेंडर साइड से वो आ भी गई हैं दीज नीड टू तो बी रिट्रांसमिटेड अब आप देखिए कि जो आपका मैथ बनता है स्लाइडिंग विंडो का वो इस तरह से है कि सेंडिंग एप्लीकेशन कि जो है वो टीसीपी के बफर के अंदर सेंडर साइड के ऊपर डेटा लिखवाती जा रही है और जो सेंडर साइड है वो उसको भेजती जा रही है वो कहां पे रुक जाती है फर्स्ट सेगमेंट दैट इज अन एक्नोल वहां पर आपकी सेंडर की विंडो रुकी हुई है रिसीवर की विंडो कहाँ रुकी हुई है फर्स्ट मिसिंग सेगमेंट जो है उसके ऊपर आपकी जो रिसीवर साइड की विंडो है वह रुक जाती है जो कॉन्टिन्यूस डेटा आपको मिल जाता है रिसीवर साइड के ऊपर विंडो स्लाइड करके वहां पर स्टॉप करती है जहां पे पहला आपके पास मिसिंग सेगमेंट होता है वो जैसे ही मिलते हैं आपकी विंडो फिर आगे मूव कर जाती है इससे पहले पहले जो डेटा रिसीव हो चुका है वो रेडी होता है कि आपकी जो रिसीविंग एप्लीकेशन है अगर उसको रीड करना चाहे तो वो रीड कर सकती है तो स्टूडेंट्स हमने स्लाइडिंग विंडो का जो कॉन्सेप्ट है उसको भी देख लिया इसमें जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो ये जहन में रखिए कि ये मोर और लेस उसी तरह से फंक्शन कर रही है जैसे कि हमने स्लाइडिंग विंडो को देखा था जब लिंक लेयर के ऊपर इसकी डिस्कशन की थी इसमें जो चीज इंपॉर्टेंट है वो ये है कि टीसीपी एप्लीकेशन से डेटा रिसीव कर रही है टीसीपी कोई बाउंड्रीज मेंटेन नहीं कर रही लिहाजा अपने एक लार्ज बफर के अंदर टीसीपी एप्लीकेशन से डेटा लिखवाती जा रही और जैसे जैसे एडवर्टाइज विंडो के अंदर जो वैल्यू आती है उसके मुताबिक सेगमेंट्स बना बनाकर भेजती जा रही है एप्लीकेशन ने हो सकता है मुख्तलिफ सेट लिखवाए हों डेटा के उन बाउंड्रीज को मेंटेन करना टीसीपी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है वो बस एक बफर में लिखे हुए दैट्स वाई ये जो हमारे पॉइंटर्स हैं स्लाइडिंग विंडो के अंदर यह सेगमेंट्स के पॉइंटर नहीं है यह बाइट के पॉइंटर यह चीज फर्क है उससे जो कि हमने स्लाइडिंग विंडो लिंक लेयर के ऊपर डिस्कस की थी वहां पर हमारे पास फ्रेम के सीक्वेंस नंबर थे हमारे जो थे, वो के थे, यहां पर हमारे पास बाइटेंटर स्लाइडिंग विंडो के कॉन्सेप्ट को समझने के बाद अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं और ये देखते हैं कि टीसीपी के अंदर जो फ्लो कंट्रोल और जो कंजेशन कंट्रोल का मैकेनिज्म है हम इसको किस तरह से अचीव करते हैं हमने ये देखा कि टीसीपी दोनों चीजें प्रोवाइड करती है फ्लो कंट्रोल भी और कंजेशन कंट्रोल भी इनमें फर्क करना जरूरी है फ्लो कंट्रोल असल में प्रिवेंट करता है कि जो आपके पास रिसीवर का बफर है वो ओवरफ्लो ना हो जाए और ये जो चीज़ है ये सिर्फ सेंडर और रिसीवर के लिए ही रेलिवेंट क्योंकि एक सेंडर जो है वो डेटा भेज रहा है और एक रिसीवर जो है वो रिसीव कर रहा है फ्लो कंट्रोल जो होगा वो सिर्फ इन्हीं दोनों के दरमियान में होगा सेंडर और रिसीवर के दरमियान सेंडर को पता होना चाहिए कि रिसीवर के बफर में अभी कितनी जगह है मैं सिर्फ उतना ही डेटा भेजू और रिसीवर एंड जो है वो अपनी बफर कैपेसिटी के, के मुताबिक एडवर्टाइज्ड विंडो के अंदर ये वैल्यू बार बार कम्युनिकेट करता रहेगा सेंडर को ताके सेंडर इतना डेटा ना भेज दे कि रिसीवर एंड के ऊपर बफर जो है वो ओवरफ्लो हो जाए अब हम देखते हैं कि फ्लो कंट्रोल से कंजेशन कंट्रोल किस तरह से डिफरेंट है कंजेशन कंट्रोल इज डिफरेंट इन देंस दैट इट एड्रेस दैंड इंटरक्शन बिटवीन डिस्टिंग पैकेट फ्लोस। आपके नेटवर्क के अंदर मुख्तलिफ पैकेट के फ्लोज जा रहे हैं मुख्तलिफ सोर्स डेस्टिनेशन पेयर जो हैं वो आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं मुख्तलिफ इंटरमीडिएट राउटर जो हैं वो मैनेज कर रहे हैं पैकेट्स के फ्लो को अब हो सकता है कि किसी एक सेंडर और रिसीवर के दरमियान एक राउटर के ऊपर कंजेशन हो जाए नाउ दिस कंजेशन रिक्वायर्स दैट ऑल दो सेंडर हु आर सेंडिंग पैकेट यूजिंग दिस राउटर जो कि अपने पाथ में इस राउटर को यूज कर रहे हैं वो थोड़ा सा स्लो डाउन कर लें अगर वो सेंडर्स स्लो डाउन कर लेंगे तो इस राउटर के ऊपर जो कंजेशन हो सकती है पॉसिबली वो अवॉइड हो जाएगी या अगर हो चुकी है तो वो जल्दी से जल्दी रिकवर हो जाएगी और नेटवर्क जो है वो वापस अपने लाइटली लोडेड सिनेरियो के अंदर वापस आ जाएगा तो ये डिफरेंस है फ्लो कंट्रोल में और कंजेशन कंट्रोल में फ़्लो कंट्रोल के अंदर हम कोशिश ये करते हैं कि सेंडर इतना डेटा ना भेज दे कि आपका जो रिसीवर है उसका बफर ओवरफ्लो हो जाए और रिसीवर इसने इतने डेटा को हैंडल ना कर सके कंजेशन कंट्रोल के अंदर हम ये देखते हैं कि सेंडर इतना डेटा ना भेज दे कि आपका जो नेटवर्क है वो उसको हैंडल ना कर सके और किसी एक राउटर के ऊपर कंजेशन हो जाए और वहाँ पर जो बफर है वो ओवरफ्लो हो जाए इसीलिए टीसीपी ने मैकेनिज्म प्रोवाइड किया है इन दोनों चीज़ों के लिए फ्लो कंट्रोल के लिए भी और एडवर्टाइज और कंजेशन कंट्रोल के लिए भी ये दोनों मैकेनिज्म जो हैं वो टीसीपी अचीव किस तरह से करते हैं यानी टीसीपी की प्रोटोकॉल के अंदर वो क्या मैकेनिज्म है जिसके थ्रू हम फ्लो कंट्रोल अचीव करते हैं और वो क्या मैकेनिज़्म है जिसके थ्रू हम कंजेशन कंट्रोल को अवॉइड करते हैं हम कंजेशन कंट्रोल को इंशाल्लाह अपने 6th चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे यानी अगले चैप्टर के अंदर अभी हम फोकस करते हैं फ्लो कंट्रोल के ऊपर फ्लो कंट्रोल को टीसीपी किस तरह से हैंडल करता है इट इज हैंडल विद द हेल्प ऑफ एडवर्टाइज्ड विंडो अभी जब हमने हेडर का फॉर्मेट देखा था और हेडर की फील्ड्स को हमने एक-एक करके डिस्कस किया था तो वहां मैंने आपको बताया था कि ये जो 16 बिट की एडवर्टाइज्ड विंडो है ये असल में रिसीवर की तरफ से सेट होकर वापस आती रिसीवर बता रहा होता है कि मेरे बफर के अंदर इस वक्त कितनी स्पेस है और वो हर दफा जब एक्नोलेंट भेजता है तो विंडो के अंदर वो वैल्यू सेट कर देता है सेंडर को उसके मुताबिक पता चल जाता है कि रिसीवर के बफर के अंदर अब इतनी स्पेस मौजूद है एडवर्टाइज विंडो के अंदर जितनी वैल्यू मेरे पास आई है अब मुझे सिर्फ इतना ही डेटा भेजना है अच्छा यह हो सकता है कि अगर यह वैल्यूज या नेटवर्क के सिनेरियोस या एप्लीकेशन जिस तरीके से रिसीव्ड पैकेट्स को प्रोसेस कर रही है कुछ ऐसे सिनेरियोस बन सकते हैं जो कि अनडिजायरेबल हो और आपके ये जो एडवर्टाइज विंडो के कॉन्सेप्ट हैं जो कि आप फ्लो कंट्रोल के लिए यूज कर रहे हैं उसकी वजह से आपके टीसीपी कनेक्शन के ऊपर परफॉर्मेंस जो है वो अफेक्ट हो फॉर एग्ज़ाम्पल हम ये पहला सैनारी अस्यूम करते हैं कि आपका जो रिसीवर है इट इज़ अ स्लो एप्लीकेशन इस स्लो एप्लीकेशन के अंदर प्रॉब्लम यह है कि डेटा तो रिसीव हो जाता है नेटवर्क के ऊपर सेगमेंट्स मिल जाते हैं रिसीवर एंड के ऊपर रिसीवर बफर के अंदर डेटा मौजूद है जो एप्लीकेशन है रिसीवर एंड के ऊपर वह बहुत स्लो है वो रीड ही नहीं कर रही जब वो रीड नहीं कर रही तो उसका नुकसान क्या हो रहा है उसका नुकसान ये हो रहा है कि एक्नोलॉजमेंट के अंदर जो रिमेनिंग बफर स्पेस है वो बहुत कम एडवर्टाइज हो रही इस प्रॉब्लम को समझने के लिए हम इसी सिनेरियो को जरा मजीद इलेबोरेट करते हैं हम ये कहते हैं दिस इज अ प्रॉब्लम ऑफ अ स्लो रिसीवर एप्लीकेशन क्योंकि अगर नेटवर्क के ऊपर डेटा मुसलसल ट्रांसमिट हो रहा है और आपके रिसीवर बफर के अंदर डेटा ऑब्वियसली स्टोर हो रहा है लेकिन एप्लीकेशन चूंकि स्लो है तो वो रैपिडली रीड नहीं कर पा रही उससे ये होगा कि आहिस्ता आहिस्ता रिसीवर बफर जो है वो फुल हो जाएगा जब वो कंप्लीटली फिल हो जाएगा तो अब क्या होगा अब जब रिसीव होने वाले सेगमेंट की एक्नोलिजमेंट वापस जाएगी तो आपके पास एडवर्टाइज्ड विंडो होगी जीरो जब एडवर्टाइज्ड विंडो जीरो होगी इसका मतलब है आप सेंडर को यह कन्वे कर रहे हैं कि मेरे पास मजीद कोई जगह नहीं व्हाट वट सेंडर विल डू इट विल नॉट सेंड एनी डेटा जब सेंडर कोई डेटा सेंड ही नहीं करेगा तो अब उसको कैसे पता चलेगा कि कब रिसीवर एंड के ऊपर एप्लीकेशन ने कोई डेटा रीड किया और अब रिसीवर एंड के ऊपर बफर में कुछ जगह बन गई क्योंकि वो जो कम्युनिकेशन थी ये जो इंडिकेशन थी कि रिसीवर एंड के ऊपर हमारे पास अब बफर में कुछ स्पेस मौजूद है ये तो आपके भेजे हुए सेगमेंट की एक्नोलिजमेंट में आपको मिली थी जब आप मजीद कोई सेगमेंट भेज ही नहीं रहे तो ऑब्वियसली एक्नोलिजमेंट भी नहीं आएगी तो फिर एडवर्टाइज विंडो की वैल्यू भी नहीं आएगी नाउ यू आर स्टक अब एक दफा जब रिसीवर विंडो जीरो पे जब रिसीवर के ऊपर बफर स्पेस जीरो पे चली गई और एडवर्टाइज विंडो ज़ीरो एडवर्टाइज हो गई नाउ यू आर स्टक इन अ सिनेरियो कि सेंडर कोई नया सेगमेंट भेज नहीं सकता एक्नोलिजमेंट उसको ऑब्वियसली इसीलिए मिल नहीं सकती तो जो आपके रिसीवर एंड है वो बता ही नहीं सकता कि कब एप्लीकेशन ने कुछ डेटा रीड किया और कुछ जगह बनी बफर स्पेस बनी रिसीवर एंड के ऊपर अब सेंडर को चाहिए कि मज़ीद अगर डेटा है तो वो भेजें इसका क्या सोल्यूशन हो सकता है इसके लिए एक सिनेरियो तो यह था कि रिसीवर के पास जैसे ही जगह बने वो सेंडर को बताए कि अब आप मुझे डेटा भेजो इसमें कुछ प्रॉब्लम्स। इसमें प्रॉब्लम यह है कि रिसीवर डज नॉट नो कि सेंडर के पास मजीद कोई डेटा है भी या नहीं भेजने के लिए हो सकता है कि रिसीवर के पास जगह हो सेंडर के पास डेटा ही ना हो या और रिसीवर ये अस्यूम करे कि मैंने इसको कहा है कि डेटा भेजो ये भेज नहीं रहा और रिसीवर उसको बार बार भेजे नोटिफिकेशन कि भाई मेरे पास जगह है अब मुझे डेटा भेजो बट दिस विल बी अ वेस्टेज ऑफ रिसोर्सिस एंड द हम ये ओवर क्रिएट नहीं करना चाहते इसलिए जो सोल्यूशन है दैट इज स्मार्ट सेंडर डम रिसीवर हम ये कहते हैं क्योंकि सेंडर को पता है कि डेटा भेजना है कि नहीं सेंडर शुड रियक्ट डर शुड प्ले सम इंटेलिजेंट रोल एक्टिव रोल के जरिए उसको पता चले कि किस वक्त रिसीवर साइड के ऊपर बफर में कुछ जगह बनी है ना दिस इज अ कॉम्प्लिकेटेड सोल्यूशन कॉम्प्लीकेटेड सीनेरियो जिसके लिए हमने कोई सोल्यूशन निकालना है एंड सोल्यूशन इज आपका जो सेंडर है वो एक एक सेगमेंट या एक एक बाइट भेजता रहेगा फ्रीक्वेंटली जैसे ही रिसीवर साइड के ऊपर जगह बनेगी वो जो एक बाइट है वो सेंडर के रिसीवर uh, के बफर के अंदर अकोमोडेट हो जाएगी जैसे ही वो एक बाइट अकोमोडेट होगी रिसीवर उसकी एक्नोलिजमेंट भेजेगा और उसके अंदर बता देगा कि अब बफर में कितनी जगह बन गई इस तरह से सेंडर बार बार एक एक बाइट भेजकर यह पता चलाने की कोशिश करता है कि क्या अब रिसीवर के बफर के में कुछ जगह है या नहीं है सो दिस इज दोल्यूशन टू अ प्रॉब्लम विच वी कॉल एज स्लो रिसीवर एप्लीकेशन प्रॉब्लम इसमें अगर सेंडर स्टक हो जाए तो वो एक एक बाइट का सेगमेंट भेज कर ये पता चलाने की कोशिश करता है कि कब रिसीवर की एप्लीकेशन ने रीड किया और वहां पर बफर स्पेस में जगह बनी स्टूडेंट्स हम अपने टी सी पी की डिस्कशन को आज के लेक्चर में यहाँ पर स्टॉप uh, करते हैं इन शुरू इसी तरह के और टॉपिक्स हमारे पास मौजूद हैं टीसीपी के अंदर क्या क्या और सिनेरियोस क्रिएट होते हैं क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं वो और इस तरह के रिलेटेड टॉपिक्स को हम इंशाल्लाह आगे डिस्कशन में कंटिन्यू करेंगे अपने अगले लेक्चर में आज हमने टी की स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम देख ली स्लाइडिंग विंडो की अप्लीकेशन देख ली इम्प्लीमेंटेशन देख ली और उसके बारे में जो एक आध इशू था उसको भी डिस्कस कर लिया हम अपने इसी टॉपिक को इंशाल्लाह आगे कंटिन्यू करेंगे आज हम अपने लेक्चर को यहाँ पर ख़त्म करते हैं अब आप मुझे इजाज़त दीजिए खुदा हाँ।